क्या आप बद्रीनाथ की कहानी को जानते हैं? ये वही जगह है जहां कभी भगवान शिव और पार्वती निवास करते थे। यही उनका घर था। एक दिन नारायण यानी भगवान विष्णु के पास नारद मुनि गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शीश नाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड़ लगाती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें यह। वह उस घर के अंदर गए और घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का निवास स्थान है। अगर वे वहां रहे और शिव को गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए हुए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। माता पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को भूल कर भी मत छूना। पार्वती ने कहा, आप कितने क्रूर हैं, कैसी ना समझी की बातें कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, तुम जो देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को मानने नहीं दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह से रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करे, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिला कर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ खुद गर्म पानी में स्नान करने चली गई। बद्रीनाथ में गर्म पानी का कुंड है। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। लौट कर आए तो क्या देखते हैं, घर का दरवाजा अंदर से बंद था। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव के पास दो ही विकल्प थे, एक जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे और दूसरा वे वहां से चले जाएं और कोई रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। भगवान विष्णु और पर ब्रह्म शिव से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।